हेलो गाइस, वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की थी, उसके एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स और उसकी वर्किंग को देखने की कोशिश की। मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग यही था कि मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम हमारे मेन मेमोरी में रिसाइड्स होते हैं, जो कि नॉन प्रीएम्पशन काइंड के ऊपर चलते हैं। बट सीपीयू के नेचर से, सीपीयू और आईओ बस के नेचर से, वो कभी ना कभी अगर थोड़ी देर के लिए अगर दूसरे प्रोसेस के ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं वो पहले दूसरे प्रोसेस का काम कर सकते। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था। यहाँ पे मल्टीटास्किंग उसके डिफर क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीटास्किंग गाइस। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि मल्टीपल टास्क हमें परफॉर्म करने हैं तो एट द सेम टाइम, ये तो पॉसिबल नहीं है, एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा एक इल्यूजन या ऐसे इन्वायरमेंट को या ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे मल्टीपल टास्क एक साथ हो रही है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि मल्टीपल टास्क ऐसे समय कैसे करें, तो हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी टास्क सीपीयू के पास और कौन सा टास्क आईओ के पास। इस टास्क को सीपीयू रिक्वायरमेंट नहीं है, किस टास्क को सीपीयू रिक्वायरमेंट है, ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ मैन इज लिसनिंग अ सॉन्ग एट द सेम टाइम ही और शी कैन ब्राउज द कंटेंट फ्रॉम द वेब, ओके। कहीं ना कहीं एक समय पे अगर हम कुछ एक आधा गाना अगर सुन रहे थे, उसी सेम समय पे हम एक आधे कंटेंट ब्राउजर के ऊपर से, उस सर्च इंजन के तरफ से ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों टास्क अगर हम देखें तो वो अलग अलग है। लिसनिंग अ सॉन्ग, उसमें डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कंटेंट को अगर ब्राउज करना है तो उसमें कहीं ना कहीं सीपीयू इन्वॉल्व है, जिसमें हम उसको माइन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि लिसनिंग अ सॉन्ग में कहीं ना कहीं सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज, और कंटेंट में कहीं ना कहीं सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। ऐसे मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या कि एक टास्क चलेंगे बैकग्राउंड में, एक टास्क चलेंगे फोरग्राउंड में। तो ये उसके नेचर के हिसाब से मल्टीपल टास्क का हमने फेवर दिया है। इन ऑर्डर टू अचीव मल्टीटास्किंग वी नीड शेयर सम रिसोर्स लाइक अ सीपीयू एंड मेमोरी। एट द सेम टाइम अगर दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीपीयू और मेमोरी को हमें शेयर करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस इसमें भी ये वही हो रहा है। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग। एक तो हो गया, एक हमारे पास है सबसे प्रीएम्प्टिव एंड दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव, और उसको बोल सकते हैं कोऑपरेटिव। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि इन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग द ओएस डिस्ट्रीब्यूट द पार्ट ऑफ सीपीयू टाइम स्लाइस टू ईच प्रोग्राम, ओके। मतलब क्या कि थोड़े समय के लिए मान के चलिए कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है वो टाइम स्लाइस के ऊपर चलता है। अगर 2 मिलीसेकंड प्रोसेस मान के चलिए कि लेट्स हैव एनोटेशन, एनोटेशन अगर एक प्रोसेस है, प्रोसेस मान के चलो P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस और P3 प्रोसेस। अगर हमारे पास 2 मिलीसेकंड का टाइम अगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और इन सभी को मान के चलो कि इसको 4 लग रहा है, इसको 2 लग रहा है और P3 को कहीं ना कहीं मान के चलो 2 मिलीसेकंड लग रहा है, तो सबसे पहले 2 मिलीसेकंड का टाइम है तो सबसे पहले नंबर लगेगा P1 का। सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो इसमें से 2 मिलीसेकंड के लिए कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होगा, 2 मिलीसेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद किसका नंबर लगेगा, P2 का नंबर लगेगा। ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये प्रोसेस बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद P3 का नंबर लगेगा तो P3 का भी 2 है तो ये भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो बची है P1 प्रोसेस, जिसका 2 यूनिट बचा था, उसके बाद फिर से P1 यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है प्रीएम्प्शन, जिसमें टाइम स्लाइस अवेलेबल है और एक एक प्रोसेस उतने उतने टाइम समय के लिए उतना उतना सीपीयू का यूज करके अपने अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्लाइसिंग गाइस। नाउ द सेकंड जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है कोऑपरेटिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इन कोऑपरेटिव ईच प्रोसेस कैन कंट्रोल द सीपीयू फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड्स। एक बार अगर उसको प्रोसेसर को पकड़ा तो वो जब तक वो टास्क पूरी नहीं होती तब तक कहीं ना कहीं हम उसे सीपीयू को छोड़ेंगे नहीं। दैट इज व्हाट द कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इन मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर सिस्टम, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी यूजर सिस्टम, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, दैट इज कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स, ओके, बाय गिविंग द सेम इनपुट्स, बाय लाइक लेट्स से रियल टाइम एग्जांपल, रीडिंग अ न्यूज़पेपर एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग अ सिप ऑफ टी। मल्टीटास्किंग मॉडर्न टर्म दैट इज टाइम शेयरिंग इज बेस्ट मैनिफेस्टेड बिकॉज ईच रनिंग प्रोसेस टेक्स ओनली अ फेयर क्वांटम ऑफ सीपीयू टाइम, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, दो कीवर्ड्स ऐसे हो टेक्निकल डेफिनेशन में, मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन कंकरेंटली। इसका मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग वो कहीं ना कहीं उसमें मल्टी प्रोग्राम इन्वॉल्व रहेंगे बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं मोर देन वन प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में या मेन मेमोरी में लाना जरूरी है, तभी जाके इमीडिएटली और फास्ट मैनर में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
अगर वो मेमोरी में अगर कंटेंट नहीं है तो हमें उसमें जाके लाना, मेन सेकेंडरी स्टोरेज से उसको लेके आना मेन मेमोरी में, तो उसके लिए समय लग सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे पास मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टीटास्किंग इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग विद द टाइम शेयरिंग। तो टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया जाएगा हर प्रोसेस को जो कि मेन मेमोरी में है, और मेन मेमोरी में है इसका मतलब यह है कि एक बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब क्या, थोड़े थोड़े समय के लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ये दोनों चीजों को गौर से देखना, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द ट्रू मल्टीटास्किंग इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस मल्टीपल टास्क कंकरेंटली विदाउट टेकिंग डिले इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टास्क फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। ये भी कंसेप्ट आया था वहां पे, ये भी हो सकता है। नाउ द मेन एडवांटेज इज बेटर रिस्पॉन्स टाइम एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस टूगेदर। मल्टीपल प्रोसेस टूगेदर, दीज आर द एडवांटेजेस गाइज। टाइम शेयर्ड होगा मल्टीपल प्रोसेस के ऊपर, मैनेज सेवरल यूजर्स, हमारे यूजर्स को चांस मिलेगा। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने कहा था कि बैकग्राउंड में एक काम चल रहा है तो फोरग्राउंड में दूसरा काम चल रहा है, और दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। रिलायबिलिटी ज्यादा है, यूज मल्टीपल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ऑप्टिमाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि किस किस प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है, किसको सीपीयू की जरूरत है, तो उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं काम होते जाएगा। अगर यहाँ पर अगर एक डायग्राम देखे तो यहाँ पर देखो ब्राउजर से, एक्सेल से, पेंट है, मीडिया प्लेयर से, सारे के सारे एप्लीकेशन कहीं ना कहीं एट एम सेम टाइम स्टार्ट है, जिसमें मल्टीपल टास्क हो रही है। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके कंटेंट हमारे प्रोग्राम मेन मेमोरी में है। इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व है, और वो कैसे है कि थोड़े थोड़े समय के लिए सीपीयू सबके लिए कहीं ना कहीं शेड्यूल हो रहा है इंटरनली। तो ये हो गया गाइस मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग से काफी डिफरेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग है मैम, हम नॉन प्रीएम्प्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रीएम्प्शन की बात अलाउड है, और टाइम शेयरिंग, टाइम स्लाइसिंग अवेलेबल है। तो जितना टाइम स्लाइस हमको मिलने वाला है उसमें उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्विच होगा दूसरे प्रोसेस के ऊपर, और दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन। अगर पहले प्रोसेस का कुछ हिस्सा अगर बचा है तो वो नेक्स्ट इटरेशन में भी हो सकता है। यहाँ पर जो बोला गया है कि मल्टी टास्किंग इज व्हाट द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज वेरी करेक्ट। मल्टी टास्किंग ऑल्सो मल्टी प्रोग्रामिंग विद द टाइम शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। दीज आर द टू स्टेटमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी सीपीयू और सभी का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है और ज्यादा के ज्यादा प्रोसेस रन हो रही है। थैंक यू सो मच।